नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। भक्ति में डूबा संस्कार धानी जबलपुर। जबलपुर संस्कार धानी में सुबह 4 बजे से ही शहर के सभी धर्म स्थलों पर एवं शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर एक भक्त भगवान शिव की एक झलक पाने व उन्हें जल अर्पण करने के लिए उत्सुक है, चाहे फिर वह गुप्तेश्वर मंदिर हो या कचनार सिटी या फिर कैलाश धाम के सभी बड़े मंदिरों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। बहुत अच्छा लग रहा है और आप यहाँ पे गुफाएं भी हैं और यहाँ पे यह प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आसपास हरियाली हरियाली है। कहाँ से आए हो आप? मटावर से आए हैं हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए और हम लोग यहीं पे रहते हैं मटावर पे। क्या नाम है आपका? सृष्टि चौधरी मेरा नाम है और हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं, के साथ आए हैं यहाँ घूमने। आप सभी लोग भी आए, बहुत अच्छा है यहाँ मंदिर, बहुत अच्छा लगता है आने से और पूजा वूजा बहुत अच्छा मानते हैं यहाँ पे। आप सभी लोग आए, धन्यवाद। कैलाश मंदिर आए तो कैसा लग रहा आपको? आज यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैलाश धाम में आए हैं जो हमारे शंकर जी का पर्व है। यहाँ काफी भीड़ है, प्रचलित मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है कैलाश धाम। कहाँ से आए आप? मैं यहीं पनागढ़ से हूँ, जबलपुर जिले में। सभी यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी, और यहाँ बहुत भक्त आते हैं। आप देखते हैं भीड़, कितनी भीड़ आ रही है यहाँ पर अभी, और शाम तक ये चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल ठाकुर। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा कथित तौर पर किए गए कॉरपोरेट घोटाले की गूंज शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले में भी सुनाई दी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की मांग की है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं पार्षद अब्दुल हकीम खान के साथ बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि अडानी ग्रुप द्वारा कई सालों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी किए जाने की आशंका है। इस रिपोर्ट के उजागर होते ही अडानी ग्रुप का करीब 4.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। अनेक अनियमितताओं के चलते भारत में SBI तथा LIC के निवेशकों के आर्थिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि संसद में संयुक्त विपक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग के अनुसार उक्त मामले की जाँच संयुक्त संसदीय दल का गठन कर कराई जाए। इसके अलावा LIC एवं SBI के निवेशकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु तत्काल ठोस नीति बनाई जाए। वहीं जबलपुर की रेलवे स्टेशन की वाहन पार्किंग व्यवस्था पटरी से नीचे उतर आई है। दरअसल प्लेटफॉर्म के बाहर जिसका मन जहां जा रहा है वहां वाहन खड़े कर रहे हैं, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, जिसके कारण व्यवस्था भी बेपटरी हो चुकी है। रेलवे का दावा था कि 3 से 4 दिनों में नया ठेका हो जाएगा, लेकिन रेलवे का दावा रखा रह गया और कोई भी ठेका अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। ठेका ना होने के कारण स्टेशनों में आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी रेलवे को उम्मीद है कि जल्द ही ठेका हो जाएगा। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर रामनगर एक्सीडेंट में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। परिवार खाते गांव का रहने वाला है, शिवरात्रि पर नेमावर दर्शन करने जा रहे थे। खाते गांव के राजेश राठौर, उनकी पत्नी सुनीता राठौर और बेटी वैशाली बाइक से सुबह नेमावर जा रहे थे। हरदा की ओर से आ रहे चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तीनों को एम्बुलेंस से खातेगांव सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान राजेश और सुनीता ने दम तोड़ दिया। वैशाली को रिफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। राजेश खातेगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग का व्यवसाय करते थे। वहीं नेशनल हाईवे 44 के मालथौन टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कर्मचारी खाना खाने बैठा था, अचानक ही वह हिला और नीचे लुढ़क गया, बेंच से जमीन पर गिरा और तत्काल ही उसकी मौत हो गई। टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी खाना खाने बैठा था, टिफिन खोला, खाना खाना भी शुरू किया, लेकिन इसी बीच वह अचानक दीवार से टिका और कुर्सी से गिर गया।
ये पूरी घटना कैमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम किया। टोल प्लाजा पर गार्ड के पद पर पदस्थ 52 वर्षीय उदल यादव मालथौन के ही रहने वाले थे। वे काम पर थे, ड्यूटी के दौरान खाना खाते समय अचानक ही उनका दम निकल गया। कर्मचारी को तत्काल ही सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खुरई एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि मृतक उदल यादव निवासी मालथौन टोल प्लाजा पर सुरक्षा कर्मी का काम करता था। ड्यूटी के दौरान वह खाना खाते समय अचानक कुर्सी से गिर गया। अन्य कर्मचारी उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया गया। घर सूना पाकर पिता ने अपनी बेटी से किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म से आरोपित पिता का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। खास बात यह है कि पीड़ित को 2,00,000 रुपए प्रति कर राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए। लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 9 जून 2019 को पीड़िता ने पनागर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उसका पिता उसकी मां को हमेशा परेशान करता है, वह उससे मजदूरी करने भेज देता है। इसी वजह से मां छोटे भाई को लेकर मामा के गाँव चली गई। वह अपने पिता के साथ अकेली रह गई थी। रात 4 बजे पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की, यही नहीं किसी से बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद उसने इस हरकत को अंजाम देने की आदत बना ली। रिपोर्ट लिखाने के 6 माह पूर्व मां ने पिता को यह हरकत करते हुए देख लिया, लिहाजा उसने पिता को जमकर फटकारा भी था। इस पर गलती हो गई यह कहकर पिता ने अपना बचाव किया था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपना रवैया नहीं बदला और सुनेपन का फायदा उठाकर शोषण करने लगा। पुलिस ने अपराध कायम कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी। वहीं इंदौर के आजाद नगर इलाके में सिटी बस ने नगर निगम के पानी के टैंकर को टक्कर मार दी। इस हादसे में सिटी बस के अंदर बैठे कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, बाद में यात्रियों को उतार कर दूसरी बस से आगे भेजा गया। वहीं एक बच्ची और महिला को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा गया। पूरी घटना चौराहे पर लगे एक बिल्डिंग के कैमरे में कैद हुई, जिसमें टैंकर चालक की भी जान बच गई। घटना रिंग रोड की है। यहां नगर निगम के कर्मचारी सुशील ने बताया कि वह पानी का टैंकर लेकर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आई सिटी बस ने उसके टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टैंकर कुछ फीट आगे खिसक गया, लेकिन सिटी बस के कांच फूटने के साथ अंदर बैठे यात्री घबरा गए। इस दौरान सवारी एक दूसरे पर गिर गई, जिसमें एक बच्ची और महिला घायल हुए हैं। मौके पर बीट के पुलिसकर्मी पहुंचे, यहां से सिटी बस को रास्ते से हटवाया गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।